नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले 26 सितंबर से निकाली गई बहुजन कल्याण यात्रा कई जनपद होते हुए मंगलवार को जनपद पहुंची। यात्रा के लालगंज पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश अध्यक्ष पवन गुप्ता का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा लालगंज से पलाना, जयनगर, मेनगर होते हुए मुबारकपुर पहुंची। रथ के आगे आगे सैकड़ों बाइक के साथ कार्यकर्ता अगवानी में चलते रहे। बनारस रथ यात्रा आजमगढ़ में आई और अगले दिन यात्रा मऊ जनपद जाएगी। यात्रा का समापन 18 दिसंबर को लखनऊ में हो रहा है। क्या कुछ कहा इस बाबत पवन गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ने, सुनाते हैं आपको। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अपनी जमीन को मजबूत कर रही है सरकारी माध्यम से। सदन में रिपब्लिकन यात्रा का स्वागत 26 सितंबर से शुरू हुआ है। सहारनपुर से एक दिन एक जनपद होते हुए आज हमको आजमगढ़ में है और इसके आगे कारवा बढ़ते जाएगा। 18 दिसंबर को एक बड़ी महारैली हो रही है लखनऊ के अंदर और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में बीजेपी के साथ अलायंस में गठबंधन चर्चा बहुत बातचीत हो रही है और आने वाले समय में गठबंधन होकर के बीजेपी आर पी आई। देखिए, जो सीटें बीजेपी के पास नहीं है हम तो उसके बदले में जो लगा रहे हैं, जो सीटें आपके पास नहीं हमको दीजिए और बीजेपी इसमें तैयार हो रही है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। हाँ, ये हम सबसे पहले बाबा साहब चारों धारा पर अपने काम करें और समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलने का प्रदेश में समस्याएं बहुत सारी हैं जो कि हम सब करने का काम करें और प्रदेश को एक नया विकल्प 22 में मिले। बीजेपी आर के साथ में एक सत्ता का निकल वापस आएगी और एक नया इतिहास